करेंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठन की समीक्षा करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लगातार बैठकें की हैं, खबर हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार बैठकें कर रही हैं प्रियंका गांधी। कल भी उन्होंने दिन भर मैराथन बैठकें की हैं, अलग अलग सेशन में यहां पर बैठकें हुई हैं, आज फिर यहां पर लगातार बैठकें वो करेंगी, खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से यूपी दौरे पर आई हैं प्रियंका, आज यहां पर तीसरा दिन है, आज भी बैठकों का दौर लगातार चलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सीमा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमा, क्या जानकारी है, आज क्या क्या यहाँ पर बैठकें होनी है कांग्रेस में? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का आज तीसरा दिन है लखनऊ में, और आज वो भी बैठकें करेंगी। उसके बाद वो सुबह 9 बजे आज जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंच जाएंगी, वहां पे जोनवार बैठकें होनी है, और उसके बाद फिर वो यहां से बैठकें करने के बाद व्यापारियों के साथ बैठकें करेंगी, और व्यापारियों से बैठक करने के बाद लगभग 5 बजे वो यहां से रायबरेली के लिए रवाना होंगी। वहां पर 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय उनका दौरा है। अमेठी और रायबरेली के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से बात करेंगे, और 2022 के जो चुनाव है उनकी रणनीति तैयार करेंगे, उनका खाका तैयार करेंगे। लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस कार्यालय में जारी है, और अब बस डेट सुनिश्चित होना बाकी है। बाकी अब रथ यात्राएं भी निकलेंगी और तमाम लोगों के बीच कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे और कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराएंगे। प्रियंका गांधी इसी को लेकर लगातार अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। अब ये बताया जा रहा है कि कोई भी सप्ताह ऐसा बाकी नहीं रहेगा जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में ना रहे। सीमा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, किस तरह से लगातार बैठकें कर रही हैं प्रियंका गांधी। कल भी उन्होंने जिस तरह से लगातार पार्टी की अलग अलग बैठकें की थी, आज भी बैठकों का दौर चलेगा। और जानकारी ये भी है कि आज रायबरेली और अमेठी के दौरे पर भी प्रियंका निकल सकती हैं, खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और अगली खबर कानपुर से है, जहाँ पर कानपुर